अब यहाँ पर ये है ना कि विराट को नहीं ले जाएंगे। अच्छा विराट कोहली नहीं लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे T20। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बट आप समझे नहीं मुझे क्यों पूछ रहे हैं। विराट ना जाए तो आपके चाहने से क्या होगा? नहीं नहीं मेरे चाहने से क्या होगा, मैं इसीलिए तो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे चाहना नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे। अब ये कहो कि मैं अगर टीम देखूं, हम ना T20 गलती पता क्या है, हम सब हम T20 IPL भी देख लेते हैं, हम T20 मैचेस भी देख लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं इट इज अ वर्ल्ड कप आफ्टर ऑल, वर्ल्ड कप का बड़ा मैच जो उस दिन सुबह। यार आई थिंक विराट कोहली ना ही डिजर्व्स बेटर आपको ये, और या तो आप विराट को। हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। 2024 के लिए विराट कोहली का सिलेक्शन नहीं होगा क्या आप मान सकते हैं? अरे रुकिए भाई, हमारी भी चंद बातें सुन लीजिए, क्रिकेट एनालिटिक्स से हम भी। विराट कोहली का सिलेक्शन 2024 के लिए डाउटफुल है गाइस, ये खबर आई है टेलीग्राम से। अब ये जितने भी फैंस हैं विराट कोहली के वो जरूर क्रिटिसाइज करेंगे, भाई आखिर विराट कोहली ने ऐसा क्या किया 2016 में, 2019 में, इंक्लूडिंग 2023 का जो 50 ओवर वर्ल्ड कप चला उसमें भी विराट कोहली जो हाईएस्ट रन गेटर थे। भाई पता नहीं है कौन सी सिलेक्शन टीम को जो है वहां पर बिठा दिया गया है। भाई सीनियर खिलाड़ी है आपका, विराट कोहली जैसा प्लेयर अगर आप ड्रॉप करेंगे तो उल्टा जो है आपको बैकफायर कर सकता है, क्योंकि रीजन देखिए क्या है, रीजन ये है कि स्लो पिचेस होते हैं इसलिए विराट कोहली को तकलीफ होती है खेलने में, तो उसको लेकर रिएक्शन है वॉच कीजिए। पर बैटर भी बाहर हो, आपका एक ही बैट्समैन हो सकता है, पर अब यहां पर ये है ना कि विराट को नहीं ले जाएंगे। अच्छा विराट कोहली नहीं लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे T20। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं मैं मुझे लगता है 50-50 है। मैंने तो उस दिन भी 30 नवंबर, आपका मन क्या कहता है? नहीं मेरे मन की तो अब बात नहीं ना, मैं मेरा मन तो एक साल मैंने पहले भी कहा था, मुझे 12.5 महीने ये इनको देख के मेरा मन, मैं ना कप्तान हूं ना मैं सिलेक्टर हूं ना मैं बात सुन, आप क्या चाहते हैं आज विराट जाएं? मैंने जब वर्ल्ड T20 इंडिया हार के आया था दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं जब देखा मैंने ये यंग कप्तान के पास गए, यंग टीम के साथ जा रहे हैं, यंग सोच लेके आएंगे, तो मैंने कहा अच्छी बात है। T20 को भी हम क्यों मतलब लाइफ एंड डेथ बना लें, हर फॉर्मेट ही क्यों आपको लाइफ एंड डेथ बनाना है? फिर आपके तो टेस्ट मैच भी वही खेलते हैं, आपके वनडे भी वही खेलते हैं, आपके T20 भी वही खेलते हैं, एंड आप हार का बर्डन बढ़ाते हैं। ये तो हो गया, तो बस मैंने जवाब दे दिया। फ्यूचर क्या, आज आज यहां पर बैठ के आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? मेरे चाहने से क्या होगा? अरे हमारे नहीं, बट आप समझे नहीं मुझे क्यों पूछ रहे हैं। विराट ना जाए तो आपके चाहने से क्या होगा? बड़ा बयान। नहीं नहीं मेरे चाहने से क्या होगा, मैं इसीलिए तो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे चाहना नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे। आप ये कहो कि मैं अगर टीम देखूं मैं तो उसमें इन्होंने बोले कि मैं चाहता नहीं नहीं इनका कहने का मतलब वही है कि पॉइंट इनकी टीम नहीं नहीं मैं चाहता हूं कि विराट ना जाए यहां पर उसका। मैं भी बहुत शॉक था जब ये खबर मैंने पढ़ी थी कि रोहित इज मेकिंग अ कमबैक, और फिर T20 में विराट की भी बात आई थी, तब मैं बड़ा शॉक था। पर मैंने ये पहले दिन कहा था, मैंने कहा यार ये इंडिया है, 5-6 महीने पहले डिसीजन नहीं लिए जाते कि जी नहीं लेके जाएंगे, लेके जाएंगे डिसीजन लिए जा सकता है। जैसे रोहित का इन्होंने अनाउंस कर दिया 1 दिसंबर को, हार्दिक को भी बता, ठीक है ना, वो तो 1 दिसंबर को वो रोहित जाएंगे वो अलग बात है। आप ये कह दो कि फलाना नहीं जाएगा, वो भी विराट कोहली, 6 महीने पहले मैंने कहा था यार ये मजाक है, बिकॉज भाई उनकी उनका कमबैक हुआ ना अफगानिस्तान वाली टीम में, उनका कमबैक हुआ मुझे याद है, अगर आप रोहित ने भी आके बोला, अगर आप भाई रोहित शर्मा ने पहले 2 मैचों में बनाए 0 अफगानिस्तान वाले में, याद है दूसरे मैच में वो इंटेंट इतना, दूसरे मैच तक में जब वो आउट हुए तो आप लोगों का सबका मजाक भी इतना उड़ाया जा रहा था कि देखो जी इंटेंट 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 से 0। अब हुआ क्या, रोहित ने बना दिया तीसरे मैच में 100 और उस मैच में विराट आउट हो गए, पर रोहित ने आके बोला, रोहित ने आके बोला विराट के बारे में कि विराट ने इंटेंट दिखाई है, इंटेंट दिखाने के टाइम वो आउट हो सकते हैं। सो जो क्लैशेस हो रहे थे, रोहित को जो टारगेट किया जा रहा था, रोहित ने आके बताया कि नहीं भाई विराट का ऐसा नहीं है कि उनके आज उनकी रन नहीं आए, बट ही वॉज एटलीस्ट ट्राइंग। बट मुझे अभी भी लगता है कि इंडिया ना थोड़ी सी गलती कर रहा है, इंडिया अभी भी T20 में बहुत कंजर्वेटिव है, बहुत कंजर्वेटिव है, अभी भी पुरानी सोच है हमारी, वही प्लेयर आपके ऑस्ट्रेलिया वाले, वही प्लेयर आपके दुबई वाले, वही आप वेस्ट इंडीज ला रहे। ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट चेंज करना है, बट आई थिंक इट इज अबाउट द सोच।
आज भी आप फंसे हुए हो प्लेयर का नाम लेके, आज भी आप T20 में कॉम्बिनेशन की बात क्यों नहीं करते हो? वही तो बोल रहा हूं, आप खुद बोल रहे हैं कि मेरे बोलने से क्या होगा। नहीं, मैं तो हैरान रोहित को देख के भी था, मैं तो उस चीज को भी देख के हैरान था कि भाई अरे रोहित को भी आप T20 लेके जा रहे हो, विराट को भी आप लेके जा रहे हो, KL राहुल को भी लेके जा रहे हो, मैं हैरान था। बट नाउ अगेन आई एम यूज्ड टू दैट थॉट नाउ, रोहित का तो अनाउंस हो गया ना। KL राहुल तो देखो इस रेस में सबसे पहले बाहर हो गए थे, बट अभी वो भी फेवरेट है एज अ विकेट कीपर बैटर। बाय द वे स्लो पिचेस की बात कर रहे हैं तो KL राहुल ने वहां पे बीच में जाके मिडिल ऑर्डर में, उनको दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, KL राहुल का आई थिंक इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड या एक्सेप्टेड कि KL राहुल के लिए ना नई बॉल से बेहतर है कि थोड़ा सा ना उनको बॉल पुरानी हो। राहुल एक बात बताऊं, हम ना T20 गलती पता क्या है, हम सब हम T20 IPL भी देख लेते हैं, हम T20 मैचेस भी देख लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं इट इज अ वर्ल्ड कप आफ्टर ऑल। वर्ल्ड कप का बड़ा मैच जो उस दिन सुबह प्रेशर लेके आता है भाई साहब, उस दिन जो है आपकी गेम तितर बितर हो जाती है। सिंपल हो रही है ना इतने साल से। KL राहुल की जगह है ना अलग ही, KL राहुल को बेनिफिट क्या मिल रहा है यहाँ पे, क्यों मिल रहा है ये मैं सवाल है मनोज। उसका अब नहीं मिलना चाहिए अगर वो फिट नहीं है तो, उसका रीजन हाँ इंजरी अलग चीज है। KL राहुल के लिए फायदा एक ये हो जाता है, एक बात एक सेकंड, कोई भी है ना कोई भी विकेट कीपर वहां पर, ही हैज नॉट सेट द स्टेज ऑन फायर, उसका आप KL राहुल को एक फायदा मिलता है। प्लस और भी उनको फायदे मिलते हैं, कभी कभार होता है आपकी कमराडरी रैपो बहुत सारी चीजें आपकी खुद की पोटेंशियल आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे बेहतर वो लोग बेहतर समझते हैं, उसका उनको फायदा मिल जाता है। एक बाकी ना जो मैंने उस वक्त कहा था ना जस्ट सो दैट लोग उसको पता नहीं कैसे नहीं वो तो हो गया तो, हाँ पता है उन्होंने बात काट दी थी मेरी, बोलने नहीं दिया यार अभी आप पर डाल रहे क्या कि आपने बात काट दी थी जब मैंने कहा कि मैं नहीं देखता हूँ। हाँ, मैं नहीं चाहता हूँ मतलब नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार जो आपने शुरुआत करी ना मनोज आज की, ये जो मीडिया ट्रायल चल रहा है अच्छा। विराट कोहली पे यार आई थिंक विराट कोहली ना ही डिजर्व्स बेटर आपको ये, और या तो आप विराट को ही ये देखो, आपने मैं मानता हूँ उस दिन विराट को आपने वो इज्जत दी थी जब विराट कोहली ने कहा कि मैं अब T20 ये जो वर्ल्ड कप आएगा 2021 में ये मैं इसको खेल के ये मेरे कप्तानी इसके बाद में छोड़ दूंगा, आपने वो इज्जत दी उन्हें ठीक है। और उसमें भी क्या हुआ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन छोड़ दिया विराट ने उस अपना स्टेटमेंट में लिखा कि मैं फोकस करना चाहता हूँ वनडे वर्ल्ड कप आना है मैं उसमें फोकस करना चाहता हूँ उसकी कप्तानी पे फोकस करना चाहता हूँ। बट आई थिंक एक क्लैरिटी हो सकता है विराट को दे ही दी हो, हम यहाँ पे बैठ के बहस कर रहे हैं सब लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं बस ये चाहता हूँ कि इंडियन टीम को अगर ये लगता है कि विराट के बगैर हमारा चांस बेहतर है तो आप जाइए, बट विराट को उतनी इज्जत जरूर। दोस्तों तो पता नहीं एक कुछ सिली सा रीजन दिया जाता है किसी प्लेयर को ड्रॉप करने के लिए, खास करके ऐसा सीनियर खिलाड़ी को अगर आप ऐसा कहेंगे कि स्लो पिचेस होते हैं इसलिए विराट कोहली वहां पर स्ट्रगल करेंगे इसीलिए उनका सिलेक्शन नहीं होगा 2024 वर्ल्ड कप में, ये कोई मानने की बात है क्या? कोई भी नहीं मानेगा। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि फटाफट से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हालांकि एक लास्ट में ये जरूर स्टेटमेंट मैं ऐड करना चाहूंगा, देखिए IPL बहुत ही इंपॉर्टेंट है विराट कोहली का, अगर IPL चल गया ना विराट कोहली का मैं लिख के देता हूं भाई 2024 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन के लिए कोई भी नहीं रोक पाएगा विराट कोहली को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का वीडियो देखने के लिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।